राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया है कि हमारे घर में कोई आने वाला है, तो अभी नहीं आने वाला है, आप आगे मत रहिएगा। अभी थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ खरीदा है जो मैं आप लोगों के को दिखाऊंगी। आज हमने घर में ना बहुत सारी शॉपिंग कर ली, तो जितने को मेहमान आते हैं उतने को आप ये चीज़ें देख लो, ठीक है? तो सबसे पहले ये इसमें मतलब सब्जी वगैरह धो लो, चावल धो लो, है ना, कुछ भी करके तो इससे निकलेगा। ये देखो घर में आए थे बेचने वाले, ये और ये धो ली हमने बाटियां। बाटियां जिसमें सब्जियां नहीं देते, ये वो बाटियां हैं। ये देखो काफी निग्गर है, मतलब निग्गर है, ऐसी नहीं हल्की फुल्की नहीं है, काफी निग्गर है। ये देखो, और ये वाली अच्छी है, मतलब कैसे हल्की फुल्की नहीं। और मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताना। दुपट्टा ठीक है, ये लिया। और हमने लिए ये 2 दराट 250 रुपए के, 250 की 300 के, 250 रुपए के दिए उसने एक। ये देखिए 2 दराट, हमारे दराट ही नहीं थे। ये देखो सारा सामान ना दोबारा से अपने आप जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीजें ना घर में बहुत जरूरी होती है। दराट, दराटियां, ये बाटियां, छोटे छोटे बर्तन जो भी है ना, हम बिल्कुल नए नए खरीद रहे हैं सारे, एक एक चीज करके बिल्कुल नए खरीद रहे हैं। क्योंकि मेरे मेरे साथ भी इतने नहीं आए थे, लोगों के साथ मतलब आते हैं औरतों के साथ की बहुत सारे आते हैं मतलब दहेज में, तो मेरे साथ इतना कुछ नहीं आया था। तो ये देखिए ये दराट है, पता नहीं उसने बोला कमाने का लोहा है, अब लगेगा पता। ठीक है, ये 2 दराट हो गए, 3 ये हो गए, 8 2 ये, इनको किलड़ो बोलते हैं। जैसे अभी हम आगे ना वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, सब्जियां लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, कुकड़ियां जिससे हम नीनते हैं गोड़ते हैं, वो भी नहीं थे हमारे पास। ये वाले अम्मा ने लिए थे मेरे को, बेचारी ने दो लिए थे अम्मा ने, बहुत साल पहले दिए थे। पिता ने लाए उन्हें 4, तो अम्मा ने 2 मेरे को दे दिए थे, और उनमें से ना एक चुरा लिया किसी ने, पता नहीं किसने चुराया। तो ये मैं आज लुक मैंने बनाया है तीसरे चैनल के ऊपर, आप देखना जरूर जाके। तो ये देखिए ये 2 किलणू हैं, और ये किलणू जो इससे हम गुडाई करते हैं, निंदाई करते हैं, मतलब इनमें अभी ना बिंडे पड़ेंगे पीछे, लकड़ी के बिंडे जिसको थरा भी बोलते हैं कई जगह, बिंडे भी बोलते हैं जो लकड़ी की वो इसमें। तो और उसके बाद ये है कुआड़ी, हाँ ये है कुआड़ी, कुल्हाड़ी मतलब कुआड़ी बोलते हैं हम अपनी भाषा में। ये है कुल्हाड़ी, ये नहीं थी हमारे पास, जब हमने कुछ काटना होता था ना तो हम किसी से मांगते थे, तो आजकल देता कौन है ना, कोई नहीं देता। हमने ये नई चीजें बनाई, कुछ एक चीज हमने बिल्कुल नई बनाई। बहुत खुशी होती है जब अपने आप चीज खरीदते हैं ना, वो क्या कहते हैं ना, जब अलग होते हैं ना इकट्ठे, मतलब बहुत सारा सामान होता है इकट्ठों के बीच में, लेकिन वो नहीं आता ना, वो नहीं आता। कोई बात नहीं, अपने आप जब हम चीज लेते हैं ना, काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे को ये चीज नहीं आई या हमारे को ये चीज नहीं आई, शिकायत करने से बेटर है कि अपने आप कोई भी चीज खरीद लो तो बहुत खुशी होती है। तो ये 900 रुपया मांग रहा था इसका, पता नहीं 600 लिया कि 700 लिया, पता नहीं कितना लिया, लेकिन ये 2-2.5 किलो के करीब है शायद, किलो के हिसाब से मिलती है, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक भी, 4 किलो की कुल्हाड़ी तो बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। ठीक है ये, और लास्ट में दिखाती हूँ आपको, ये तसला लिया पैर धोने को, हमारे पास ना तसला नहीं था पैर धोने को, मतलब वो गाय का ही तसले थे ना, और जो पार तगारियां ली थी वो थे, तो उनमें क्या होता था कि हम वो उसको धोना पड़ता था दोबारा से, गाय के पास लाना धोना, तो वैसे फिर उसमें पैर धोना ना थोड़ा सा बुरा लगता, फिर धो के उसमें फिर हम ले जाते थे फीड, ऐसी बात नहीं है। और बाकी तसले हम पार को ले गए थे, जो मसाला ढोने के जो काम था, वो बहुत सारा रेता सीमेंट जो हमने ढोया ना सारा कुछ वो इस करके। तो ये लिया हमने, 300 मांग रहा था इसका, आपने बताना क्या ये रेट सही है, तो मैं फिर से आपको एक बार रेट बता देती हूँ। और अभी मेहमान आने वाले हैं तो आप जरूर देखना, ठीक है, ऐसे मत जाना। तो ये देखिए ये, और ये पता 900 मांग रहा था, कपर कम दिए, इतने नहीं दिए, और 300 इन द्राट के मांग रहा था, पर शायद 250 लगा इसके, 100 रुपए के ये किलो, 100 रुपए के, तो ये मेरे को ठीक लगे, इतना तो लोहा तो महंगा है आजकल। बाकी ये बाटियां पता नहीं कितने की बोली ये बाटियां, और ये तो ये बढ़िया हो गया सब्जी धोने को, नहीं कोई भी सब्जी काटो इसमें अपने धोने को बढ़िया। तो चलो अभी मिल लेते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे मेहमानों से जो आए हैं कनाडा से स्पेशल हमसे मिलने, तो चलिए। अनंतपुर साहब से कहा जैसे कर सकते,
आगे अनंतपुर से आगे 40 किलोमीटर आगे सीधा रोड है। राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपसे सुबह प्रॉमिस किया था, बताया था मैंने आपको कि सरप्राइज है, तो भैया आ चुके हैं। और थोड़ा सा बता देती हूँ क्यों आए, कैसे आए। वो कहते हैं ना, भगवान ने जिनको मिलाना होता है ना, उनको कोई रोक नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हमेशा कि हम मिलेंगे। अब देखना आपने यहाँ पे भी कैसा कैसी लॉजिकल जो परिस्थिति एकदम से चेंज हो गई। हमारे कनाडा से एक दीदी हैं, किरण दीदी। सबसे पहले तो उनको थैंक यू सो मच। उन्होंने कुछ सामान भेजा था, काफ़ी दिन पहले भी उन्होंने कुछ मुझे पार्सल भेजा था, वो मेरे पास पहुंच गया था। वो उन्होंने बाय पोस्ट भेजा था पंजाब से किसी के पास। तो ये अंकल जी और भैया ये कनाडा से हैं। तो ये इनकी भांजी की शादी थी, ये हैं गढ़शंकर से। तो इनकी भांजी की शादी थी, ये दीदी के पड़ोसी है वहाँ पे, जो किरण दीदी, आप काफ़ी लोग जानते हैं उनको। हमेशा एक वीडियो भी मैंने उनका डाला था, पिछले साल की बात है। तो उन्होंने ये आ रहे थे घर को, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ सामान भेजना है। अब वहाँ से कनाडा से अगर पार्सल भेजते हैं तो जितने का सामान नहीं होता उससे, है ना अंकल जी, दुगना तिगना लग जाता है शायद पार्सल, है ना पार्सल, क्योंकि पार्सल वहाँ से भेजने का बहुत पैसे लगते हैं। तो दीदी ये सोच रहे थे कि कोई आएगा यहाँ से। तो इनके जो बच्चे हैं और दीदी के जो बच्चे हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है आपस में। और वैसे भी ये पंजाब से ही हैं दीदी और ये भी, और वहाँ पर भी ये पड़ोसी हैं कनाडा में भी, ये दो चार घर छोड़ के इनके घर हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनके बेटों ने बोला ना कि मम्मी पापा जा रहे हैं घर में और इनकी भांजी की शादी थी, तो वो ले जाएंगे सामान। और देखो इनकी अच्छाई ये नहीं है कि इनके मुंह के ऊपर बोलूँ, मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि इन्होंने बोला कि हाँ हम सामान तो ले जाएंगे। फिर इन्होंने एक बात और बोली कि हम वहाँ से पार्सल नहीं करेंगे, हम खुद घर दे के आ जाएंगे, चाहे कितनी भी दूर होगा। इनको कोई पता नहीं था हमारा घर इतनी दूर है। अच्छे अच्छे ढूंढने में ना वो हो जाते हैं कि कहाँ, जैसे मतलब परेशान हो जाते हैं कि आप इनसे ही पूछ लेना, मैं थोड़ी बात करवाऊँगी इनकी आपसे। फ़ोन आ रहा हूँ। तो मतलब लेकिन ये पहुंच गए, भूले भी ये बहुत ज़्यादा, पहले आगे निकल गए थे थोड़े से और फिर उसके बाद जो ये दोबारा से आए। तो फ़ोन पे बातचीत होती रही, दीदी ने नंबर दे दिया था इनको हमारा, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये यहाँ तक पहुँचे, मेरे घर तक पहुँचे। हमने खुद जाना वहाँ पर, इनका इनके दिमाग में एक बात थी। तो अभी मैं इनको पूछूंगी कि आपको कैसी लगी यहाँ पे ये जगह, और सामान तो आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले मैं इनका सच्ची में दिल से फिर से शुक्रिया करती हूँ जो यहाँ तक पहुँचे मेरे घर तक। और चलो मैं इनसे बात कराती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड, इनको तो आप जानते हैं, बोले कुछ राम राम जय माता दी। राम राम जी जय माता। तो चलो अभी मैं इनसे आपको पूछती हूँ कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा यहाँ आके? थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब आप कनाडा में रहते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, तो फर्क तो होगा यहाँ की और वहाँ की जगह में, है ना? फर्क तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी। वैसे दीदी बोलते रहते हैं कि मतलब हमारे ठंड वैसी होती है और पहाड़ भी वैसे ही आपके वहाँ पे, है ना? पहाड़ भी वैसे ही। हाँ, तो लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी लोगों के सामने आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। इतने दूर से आई है गाड़ी लेके, बहुत दूर है भाई, गढ़शंकर बहुत दूर है यहाँ से। फिर शादी निपटा ली इन्होंने और काफी दिन हो, कितने दिन हो गए आपको आए हुए वहाँ पे? 24 को, पिछले 24 को, 24 हाँ जी, जनवरी को। और ये ना मतलब कोई भी नहीं होता, मुझे तो आदत पड़ चुकी है ना, लेकिन कैमरे के सामने कोई कंफर्टेबल नहीं होता। मेरे घर के नहीं होते जिनके सामने मैं रोज आती हूँ, और जो कभी कभी आएंगे वो तो भैया आप बोलो कुछ, माइक ले लो। बस हम आपको मिलने जहाँ आए तो अच्छा लगा, आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। और सबसे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने सब्सक्राइब किया और इन्होंने शेयर भी अभी कर दिया मेरे चैनल। पूछा कि आपका कौन सा वो है, मतलब चैनल है? मैं देखता रहता हूँ वैसे यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस। हाँ जी, तो तभी मैंने आपसे पूछा कि कौन सा है आपका चैनल। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आकर यहाँ। धन्यवाद, और आते रहना। और अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको,
ये वहाँ से चले थे तो ये दीदी ने पैसे दिए उन्हें इनको कि उनको ये नहीं था पता कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे। ये भाई तो वहीं से हैं गढ़शंकर से, ये आए कनाडा से, तो हमारे लिए ये दोनों ही स्पेशल गेस्ट हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ नज़दीक से दिखाती हूँ, ये डॉलर है, मैंने पहली बार देखे ये डॉलर पहली बार देखे। और ये इनके पास दिए थे कि आप जो पार्सल भेजोगे वहाँ से, दीदी ने जो सामान भेजा था ना तो उनको बोला था कि पंजाब से आपने भेज देना, कोरियर कर देना वहाँ को, तो ये साथ में पैसे भी दे दिए थे। तो इन्होंने लेने पैसे मुझे, जहाँ अब मैं इनको समझ पा रही हूँ, जितना मैं इनको समझ पा रही हूँ, इन्होंने कहाँ पैसे लेने, जो खुद घर तक आ गया सामान छोड़ने वो कहाँ से ले सकते थे पैसे। तो ये इन्होंने अभी मेरे पास देखो पकड़ा दिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ डॉलर कैसे होते हैं। ये देखो ये कनाडा का डॉलर है और $20, तो इनको ना मैं अपने पास रखूँगी हमेशा। एक मुझे नहीं लगता यहाँ किसी के पास डॉलर होंगे, क्योंकि हमारे एरिया से तो कोई भी नहीं है बाहर, और जाते भी होंगे तो डॉलर क्यों रखने पैसे हमारे तो वो चलती है ये चेंज है मतलब। तो ये मुझे, और इन्होंने ये भी मेरे को पकड़ा दिए कि ये दिए थे उन्होंने, मतलब पार्सल भेजा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ तक आए। अब हम लोग कर लेते हैं बातें आपस में बहुत सारी, और बताना कैसे लगे आपको हमारे गेस्ट। तो अभी बोलते हम नहीं आएंगे, पता थोड़े से भूल गए थे, कहते हम पीछे से वापस हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे घर तक आना है। तो इनको आदत भी नहीं होती इतना चलने की, हमारा थोड़ा सा घर दूर है ना, सड़क से भी दूर है थोड़ा सा, लेकिन पहुँच गए। सोचो आप, किरण दीदी नहीं आ पाए जो पहले की जान पहचान है, और ये लोग भगवान ने इनको पहले मिलाना था। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे बाद में, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, हम बातें कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जय माता दी। और बस इन लोगों ने चाय पानी करी और कुछ भी नहीं, बाकी ये चले गए। और अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे सच्ची में। और मतलब थोड़ा सा आपको क्लियरिटी नहीं आई होगी, क्योंकि इनको ना एलर्जी जैसी लगी थी उन्हें सूर्य की किरणों से, तो हमने पीठ पीछे की तरफ की हुई थी ताकि इनकी आंखों के ऊपर सूर्य की रोशनी ना पड़े ज्यादा, और इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, मतलब फोटो नहीं आई क्लियर जो हमने बातचीत करी। ये चले गए, यानी कि पापा जा रहे हैं इनको सड़क तक छोड़ने। तो बहुत अच्छा लगा आपका मिलना अंकल जी। तो चले गया वो लोग, मैं ऊपर तक देख रही थी जाते हुए, हनी के पापा गए उनको छोड़ने, और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा इतने दूर से आए। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद किरण दीदी, आपकी वजह से मतलब बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी लोग भी हैं दुनिया में सच में। और मैं ये डॉलर ना हमेशा संभाल के रखूँगी, देखो कैसे होते हैं डॉलर। ये देखो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।